सरकार ने क्या किया कि 5 साल से एक योजना अधर में लटकी पड़ी है। जिस दिन से मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है, मैं पूरे राज्य का दौरा करके और इस तरह का कि जहाँ पर अनियमितता बरती गई है और योजनाओं में विलम्ब हुआ है, इनको सुचारू करना ही हमारा लक्ष्य है कि ये जल्द से जल्द योजना पूरी हो और इसका लाभ जनता को सीधे तौर पर मिल सके, यही हमारा लक्ष्य है। और अब मुझे उम्मीद है कि ये योजना बहुत जल्द लोगों को के घर तक पहुँचेगी और लोगों को टैप वाटर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। और अगर जो संबंधित एजेंसी है ये समय पर काम पूरा नहीं कर पाती या अक्षम है काम करने को, तो इसको ब्लैकलिस्ट करते हुए और नई एजेंसी के द्वारा इसका काम पूरा कराएंगे। चलिए कल चैवासा में जो मामला आया है, आप भी मिलने गए थे तो हमारे बाहर से दूर दराज के राज्यों से हमारे मजदूर भाई आए हैं, और मैं ही नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी, वो भी उनको के साथ भी लोगों ने विवाद किया था जब वो हिंदपीढ़ी में जैसे रेड जोन एरिया में जाकर और उन्होंने जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं उन लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया था, उस समय भी ऐसी बातें उठी थी। और आज भी मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि मैं वहाँ गया था, लेकिन जिस जगह पे जिस स्थान पर जो कल कोरोना पॉजिटिव जो मरीज पाया गया है, उस स्थान पर मैंने गया और हमारे साथ पूरी टीम थी, सिविल सर्जन से लेकर डॉक्टर थी, और वहाँ पर हमें पहले ही बता दिया गया था कि उस एरिया में नहीं जाना। मैंने वैसे बात की, वैसे लोगों को वैसे स्थानों का निरीक्षण किया जहाँ किसी तरह का कोई ऐसा खतरा नहीं था। तो इसको बात को बतंगड़ बनाना और बहुत ज़्यादा आगे जानकारी तो जिले के उपायुक्त अच्छी जानकारी आती है। मंत्री साहब एक